फिरोजाबाद जिले में आज प्रचार का अंतिम दिन है। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं शिकोहाबाद विधानसभा से बीजेपी के छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुकेश वर्मा जी। क्या जरूरत पड़ी कि आप भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए? वो जो दिन थे वो गरीबों को अहित करने वाले दिन थे, किसानों का नुकसान करने वाले दिन थे, और वो दिल था, वो दल था, वो दल अच्छा नहीं था। संविधान विरोधी था, किसान विरोधी था, नौजवान विरोधी था, और उनको भाजपा वालों को गरीब केवल बड़े लोग गरीब लगते थे, 2-3-4% लोग। न तो उन्हें हिंदू गरीब लगता था, न मुसलमान गरीब लगता था, न किसान गरीब लगता था, न नौजवान गरीब लगता था, न अनुसूचित जात के व्यक्ति गरीब लगते थे, न पिछड़ी जात के व्यक्ति गरीब लगते थे। उन्हें केवल और केवल 7% के लोग गरीब लगते थे। इसलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया परम आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने ताकत लगाई और अम्बेडकरवादी व्यवस्था, राम मनोहर लोहिया जी के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने कहा था कि अंतिम व्यक्ति तक इस सरकार का विकास पहुंचे। इसलिए अब पूरे प्रदेश में साइकिल बहुत तेज़ी से हो गई है। निश्चित रूप से गरीबों को, शोषितों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, मुस्लिम को, अल्पसंख्यक को, और उसने अपना मन पूरा का पूरा साइकिल पर सवार कर लिया है। 300 के पार जाएंगे। और जो घंटरिया वाले थे, बाबा नहीं बवाल है, भाजपा का काल है, ये प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे। क्योंकि आप प्रत्याशी बनाए गए यहाँ से, आज प्रचार का अंतिम दिन है, जहाँ प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, तो कैसा जनता से रिस्पांस मिल रहा है, क्या वादे कर रहे हैं आप? 100 पे 100, यानी प्रत्येक वोटर्स समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में अखिलेश भैया की सरकार बनाने के लिए पूरा तत्पर है। हमारे साथ हमारे चेयरमैन साहब के पति भी हैं, बाहे जी, तमाम समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी, जिम्मेदार सिपाही हैं। हर घर, हर गली, हर क्षेत्र, हर गांव, हर ठार पर केवल और केवल नाम है अखिलेश भैया का, नाम है समाजवादी पार्टी का, नाम है साइकिल का, चुनाव चिन्ह का नाम है। और आप देख लेना, चौथा और पांचवा चरण आते आते भूत नाचने लगेंगे। जो भाजपा की बूथ हैं अपनी बताने वाली थे, उन पे भूत नाचने लगेंगे। भाजपा के साथ कोई नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा, ये बताना चाहिए। ये भी कहते हैं कि आपको बीजेपी टिकट नहीं दे रही थी, इसीलिए आप जो है सपा में आके शामिल। अभी भाई साहब उस दिन भी हमने कहा था, बुला बुला के दे रही थी। और सुनो, हमारे भैया को दी, कोई लेने वाला नहीं था, सो हमारे भैया को दे दी। हमारा भैया तो फेल है, हाईस्कूल फेल, इंटर फेल, तम्बाकू वाला, जे वाला, और का तुम कैसी बात कर रहे हो सवेरे सवेरे। लग रहा है कि आपको यहाँ से जीतेंगे आप? जीत गए, दद्दा हो जी। पब्लिक बता रही है भैया, ऊपर वाला बता रहा है, ऊपर वाला बता रहा है। आप जब वोट खुले तब आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कहाँ चली जाएगी। समाजवादी पार्टी का एक एक जिम्मेदार सिपाही, एक एक कार्यकर्ता साइकिल को जिताने में लगाए, और यही नहीं पूरे प्रदेश में जिता रहा है। और साइकिल की स्पीड बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, 300 के पार होने जा रही है। स्पीड है साइकिल की तेज? ठीक, बहुत तेज स्पीड है। अब तो केवल उन्हें भगाना है जिन्होंने हमारी खेती का सालों से नाश कराया है। अब वो यहाँ से भाग के जाएंगे। अब लग रहा है आप लोग को ये जीतेंगे, ये 60,000+ वोट से जीत के जाएंगे हमारे यहाँ पे। बहुत अच्छी जीत, बहुत अच्छी जीत जाएंगे। तो किसी विभाग को नौकरी दी, हमारे अखिलेश यादव जी ने बोला 22 लाख आईटी सेक्टर में नौकरी देंगे। जाहिर तौर से बात है कि शिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार मुकेश वर्मा को बनाया है। आज प्रचार का अंतिम दिन है और सभी के अपने अपने वादे हैं, सभी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन नतीजे जब आते हैं तो देखना है क्या जनता मुकेश वर्मा को चुनती है या नहीं। कैप्शन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, शिकोहाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।